नमस्ते आंटी। सिया दी कहाँ है? होगी अपने कमरे में, आराम फरमाने के अलावा और कोई काम है उसका? जब भी ये लड़की इस घर में आती है कुछ न कुछ गड़बड़ करके जाती है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम रावण से उन्हें राम कैसे बनाए। सिया दी आप चिंता मत करिए, राम जी आपको यहाँ तक लाए हैं ना, देखना आगे का रास्ता भी वही आपको बताएंगे। सिया दी मुझे तो लगता है कि राम जी आपके द्वारा एक पापी का उद्धार करना चाहते हैं। यही सोचकर सब कुछ सहते जा रहे कि राम जी हमारे साथ है, सबकी कही हुई गलत बातों को भी हम सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। यही सोचकर सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, कुछ नहीं हो रहा। एक वो है, वो हमारी कोई बात मानती ही नहीं। उनका कहना है हम मर्द है, असली मर्द वही होता है जो कभी बदलता ही नहीं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं। सिया दी राम जी के आशीर्वाद से पत्थर भी पिघल जाता है, तो एक इंसान का दिल नहीं बदल सकता। देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए अब ये राम जी का चलो हम बाद में देखेंगे, पहले लीजिए मेरे हाथ का बना मूंग दाल का हलवा खाइए। तो बहुत टेस्टी, बिल्कुल हमारे हाथों का टेस्ट जैसा। थैंक यू। क्या करूं? आदत से मजबूर। कौन सी आदत? आपको फॉलो करने की। अच्छा सरस, आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ अपने तुम्हें जो कुछ भी बताया, देखो ये सब घर पे बिल्कुल भी मत बताना वरना वो लोग खामखा परेशान हो जाएंगे, ठीक है? डोंट वरी, इतनी समझदार तो हूं मैं। मेरा बच्चा। आओ अजीत जी। क्या बात है मौसी, आपने हमें तुरंत मिलने बुलाया, सब ठीक तो है ना? क्या बात हो गई? हमें इस घर पे संकट के बादल नजर आ रहे हैं, वो भी विकट संकट। अब कैसा संकट मौसी? हमने आपकी बेटी कौशिक की कुंडली पंडित से दिखवाई थी, जिसके अनुसार अब वो आपसे अलग हो जाएगा। अलग होने वाला है मतलब? मौसी हम अपने बेटे के बिना बिल्कुल अलग नहीं रह सकते, बहुत प्यार करते अपने बेटे को, मर जाएंगे पर अपने बेटे को अलग नहीं होने देंगे। मौसी ये शरीर का अलगाव नहीं मंजरी, ये मन का अलगाव है। और तुम्हारे बेटे की कुंडली के अनुसार उसे एक लड़की से प्यार हो जाएगा। जो कि तुम माँ बेटे के बीच में अलगाव का कारण बनेगी। एक बेटे को तो तुम खो चुकी हो, अब कौशिक की बारी है। आप क्या कह रही हैं मौसी? ये हम नहीं कौशिक की कुंडली बोल गई है। लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा ना? उपाय तो है। क्या उपाय है जल्दी से बताइए, हमें क्या करना होगा? आपका बेटा अपनी पसंद की लड़की लाकर घर पे बिठा दे, उससे पहले आप अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी करा दो, जिससे कि आप अपने बेटे को अलग होने से बचा सको। क्या बात है मौसी, क्या बढ़िया वाली चाल चलती है।
तरक्की करेगी। हमारे साथ रह रहे के बहुत चंट हो गई यही मौसी जो है सो। ये काम को बहुत जल्दी करना पड़ेगा, जल्द से जल्द हम पंडित जी को बुलवाते हैं। आइए भोजन ग्रहण कीजिए, खाना तैयार है। आज हमारे पेट में दर्द है, आज हम भोजन नहीं करेंगे। हमें लगता है अब हमें जाके आराम करना चाहिए। भीम काका, कहाँ थे इतनी देर से? और ये पैकेट कैसे आपके हाथ में? क्या है इसमें? वो मैं जरूरी काम से बाहर गया था। घर में इतना काम पड़ा है और आपको आपके काम की पड़ी है, ऐसा कौन सा जरूरी काम आपका अटका पड़ा था जो खाना परोसने के समय आपको बाहर जाना पड़ा? कब से इतने लापरवाह हो गए हैं आप? माँ जी छोड़िए ना, जाने दीजिए, अब तो वो वापस आ गए हैं ना। चलिए आप सब लोग चलिए, पापा जी आप लोगों का डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे। भीम काका घर का सारा काम हो गया, बस किचन की सफाई बाकी है, वो आप कर लीजिए। ठीक है जी। क्या है ये? मैंने पूछा इसके अंदर क्या है? वो क्या कर रहे हो? सीधे सीधे जवाब दो कि इस थैली में क्या है। जब तक मौसी जी इस घर में है तब तक ना मांसाहारी भोजन पकेगा और ना ही बाहर से आएगा। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में मांसाहारी भोजन लाने की? जवाब दो। वो जवाब दो। वो क्या कर रहे हो? किसके लिए लाए थे ये भोजन तुम? वो सबूत अगर हमने पुलिस को दे दिया ना तो 10 साल की जेल हो जाएगी तुमको। मालकिन वो हमने नहीं चुराए थे। अच्छा सबूत है क्या तुम्हारे पास कि तुमने नहीं चुराया था? वो हम अब चुप। एक तो गलती करते हो ऊपर से जबान लड़ाते हो,
जी जी, ये तो पुराने नौकर है ना, इसलिए इसलिए हमने पड़ोसी की बात ना सुनी। क्या कह रहे थे पड़ोसी? वो लोग कहते हैं कि ये ना रात को दारू पी के अड़सठ बकते रहते हैं। अरे ये तो सोचो, जो इंसान दारू पी सकता है वो मांसाहार भी तो खा सकता है। भीम काका, हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि आप ये सब हरकतें करेंगे। जी जी, आप सोचो नहीं, मैं तो कहती हूँ कि इस पापी इंसान को अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दो। अब इंसान इस घर में रहना नहीं चाहिए। सरस बिटिया, हेलो, तुम्हारे बचे हुए 40 रुपये। मेरे पैसे आपके पास कहाँ से बच गए? अब 2 अंडे के हुए 10 रुपये, 50 में से 10 गए तो 40 बचे ना। हेलो, पकड़ो इसे। लेकिन मैंने कोई अंडे नहीं मंगवाए। अच्छा, तो इस सारे कर्म कांड के पीछे आपका हाथ है। दोनों बहनें एक समान, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं। अरे सोचो तो सही जी जी, एक तो पहले से ही घर पे संकट के बादल छाए हुए हैं, ऊपर से ये भरभन मचाने पे तुला हुआ है। अरे जी जी, हम ही अनजान थे, हम ही भोले थे, वरना सारी दुनिया को तो इसके कर्म के बारे में पता था। ये बड़ा साधु बन रहा था हमारे सामने, पर जी जी आज इसकी पोल पट्टी खुल गई हमारे सामने। मैं तो कहती हूँ कि अभी के अभी इसको इस घर से बाहर निकाल दो। अरे निकलो यहाँ से, चलो। अरे वहां क्या ताक रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। जी जी, आप इस मोटी चर्बी को बोलो। काका, अभी के अभी यहां से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। सुना ना, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहां से। अरे चलो निकलो यहां से। एक मिनट, ना गंदा गंदा काम करता था, हम इसको जरा बाहर फेंक कर आते। पैसे पकड़ो, ये पैसे पकड़ो और यहां से निकलते बनो। अरे पकड़ो, और आज के बाद ना एक गली मोहल्ला तो का इस शहर में भी नजर ना आना। अगर नजर आए ना तो खैर नहीं तुम्हारी। मालकिन, हम ही घर में बहुत वफादारी से काम किए हैं, कभी कोई गलती नहीं की है। भगवान के खातिर हमें घर से मत निकालिए। बेटा, ये चालाक बनने की कोशिश ना तो तुम हमारे सामने करो ही मत। जो तुमने वो चांदी की थाली चुराई थी उसका क्या? वो सबूत अगर हमने पुलिस को दे दिया ना तो 10 साल की जेल हो जाएगी तुमको। लेकिन मालकिन, हमने कुछ नहीं चुराया है। अच्छा, सबूत है क्या तुम्हारे पास कि तुमने नहीं चुराया था? चलो अब ज्यादा जबाना लड़ो और निकलो यहाँ से। जाओ।
शौक से बताओ सबको। हम भी देखते हैं कि वो लोग तुम्हारी बात का यकीन करते हैं कि हमारी बात का, क्योंकि सबूत तो तुम्हारे पास भी ना है। देखो बहुरानी, बात की गहराई को समझो, मुंह बंद रखने में ही तुम्हारी भलाई है। अरे बहू, तुम कब आई? वो कहा है ना कि हम जरा ताजी हवा खाने निकले थे, ताजी हवा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने ही नॉनवेज मंगवाया था ना? रुकिए, अभी हम जाके सबको बताते हैं। जाओ जाओ, शौक से बताओ सबको। हम भी देखते हैं कि वो लोग तुम्हारी बात का यकीन करते हैं कि हमारी बात का, क्योंकि सबूत तो तुम्हारे पास भी ना है। देखो बहुरानी, बात की गहराई को समझो, मुंह बंद रखने में ही तुम्हारी भलाई है, वरना भीम काका की तरह तुम भी इस घर से थकिया दी जाओगी, समझी? जो है सो। अरे तकलीफ क्या है तुम्हारी? दिमाग खराब हो गया? क्यों मारा हमको? जी तो करता है ना तुम्हारा, हड्डी पसली एक करते। अरे से हमरे पर शक तो नहीं हो गया? क्या कर रही थी तुम? पता भी है तेरी अभी इस हरकत की वजह से हम दोनों भी फंस जाते। हाँ तो ये बात थप्पड़ मारने से पहले भी तो पूछ सकती थी। पूरा गाल झन्ना दिया हमारा उस हरकत में ना, हमने तुम्हारा नाम कहीं पे ना लिया है। सिया यही सोच रही है कि ये सारी हरकत सिर्फ हमने खुद अकेले की है। अगर ऐसा सोची है ना तो ठीक है, अगर उससे जरा भी भनक लग गई ना तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। अरे बहुत चालाक है, गलती से भी उसे पता चल गया ना तो सिया रुद्र का अलग करने का मिशन हमारा अधूरा रह जाएगा। लग गई का मलती रहना हाथ यहीं बैठ कर, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। मेरे साथ साथ तुम्हें भी धक्के मार के यहां से निकाल दिया जाए, समझी? अरे तुम ना खामखाई परेशान हो रही हो। अरे भीम काका को हमने घर से भगा दिया है और हम तो मुंह खोलने वाले हैं नहीं, तो सिया को तुम्हारे बारे में पता कैसे चलेगा? जो है सो। मेरी ना यही लापरवाही एक दिन हम दोनों को लेट हुई। अब ना जरा चालाक मत बन, थोड़ा चौकस रहेगी तो क्या जाएगा तेरा? हाँ, जिस तरह से वो लड़की चालाक है ना, मेरी एक भी गलती वे भारी पड़ेगी। एक तो हम वैसे ही रुद्र को फंसाने में नाकाम हो रहे हैं, ऊपर से तू, हे भगवान! मेरा क्या है, मुझे तो कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी, पर तेरा तेरा क्या होगा? हे भगवान, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे हम क्या करेंगे अगर ये लोग हमें इस घर से तकिया देंगे? मेरी बहन ये बता, हमें चौकस रहने के लिए क्या करना होगा? तुम क्या करोगी, सब कुछ तो पहले बिगाड़ चुकी है। हमें कुछ चाल सोचनी पड़ेगी। फिलहाल ना मुझसे पूछे बिना तुम कोई कदम नहीं उठाओ। अरे अरे, और भगवान ना करे कहीं हमारा पेट खराब हो गया तो? जब तक हम तुमसे पूछेंगे तब तक तो। अरे बुद्धू, तुम्हें उसके लिए नहीं बोल रही, इस घर में घटने वाली घटना के लिए, तुम्हें चौकन्ना रहने के लिए बोल रही हूँ। फिलहाल ना मुझसे पूछे बिना तुम कोई कदम नहीं उठाओगी। का मतलब? मतलब अब हमको गुसलखाना, रसोई घर या हमारे कमरे में जाने से पहले, कदम उठाने से पहले तुमको पूछना पड़ेगा?
अरे अरे, और भगवान ना करे कहीं हमारा पेट खराब हो गया तो? जब तक हम तुमसे पूछेंगे तब तक तो। अरे बुद्धू, तुम्हें उसके लिए नहीं बोल रही, इस घर में घटने वाली घटना के लिए, तुम्हें चौकन्ना रहने के लिए बोल रही हूँ। हाँ, ये चौकन्ना रहने वाली बात तो सही है, पर तुम चिंता ना करो। मेरी सबसे बड़ी चिंता ना तू है, देख लिया मैंने कितनी बड़ी चौकन्ना थी तू। भीम काका को डांट रही थी और सारी पोल पट्टी खोल रही थी, और सिया पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। किसी को चौकन्ना रहना कहती हो का? हाँ, देखो आगे ऐसे गलती नहीं होना चाहिए। बाकी उन दोनों का तो हम कुछ ना कुछ करते हैं, कहा समझी? समझी कि नहीं? जी। हमको माफ कर दो मौसी, हमको माफ कर दो, हम बड़ी ही पापिन औरत हैं। हमने बड़ा प्रयास किया उपवास पूरा करने का, पर हम ना कर पाए मौसी, हम बहुत ही पापिन औरत हैं, हमको माफ कर दो। अरे माफी हमसे नहीं, भगवान से मांगो, क्योंकि उसके ही आदेश पे हमने तुम्हें ये उपवास करने को कहा था। अब तुम्हारे पाप के प्रायश्चित का एक ही उपाय है हमारे पास। क्या उपाय है? तुम्हें अपने पूरे परिवार के झूठे बर्तन साफ करने होंगे और कपड़े भी धोने होंगे, साथ ही साथ उन्हें प्रेस कराकर सही जगह पे रखना होगा। और तुम्हें बड़ों के पैर दबाने होंगे, ये काम तुम्हें लगातार एक महीने तक करना होगा, उसके बाद ही जाकर तुम्हें पाप से प्रायश्चित मिलेगा। अच्छा ठीक है। अरे सिया बेटा इधर आना। जी मौसी जी। जी मौसी जी कहिए। बुद्धी तुम बहुत समझदार, कार्यकुशल और मेधावी लड़की हो, तुमने ये उपवास जिस श्रद्धा के साथ किया है ना, ऐसी श्रद्धा हमने किसी स्त्री और किसी लड़की में नहीं देखी। हम जानते हैं तुम किन हालातों में यहाँ आई हो, फिर भी तुमने इस घर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। निरंतर काम करती रहती हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे जरा सी भी थकावट नजर नहीं आती, तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो। काश ऐसी बहु बेटियां हर घर में हो। हम चाहते हैं कि तुम अपनी बहन को एक बार फिर से यहाँ बुलाओ। हम गुरुमा की ओर से उससे क्षमा मांगना चाहते हैं। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा समझदार लड़की है, हम उसे फोन करके सब कुछ बता देंगे। हमारी हालत ना तुम्हारी वजह से हुई है, अगर उस सिया को बताना ही था कि तुम और हम एक पार्टी में ना है, मिले हुए ना है, तो कम से कम कोई आसान सजा देती। तू बस यही बर्तन मांज मांज के हमारे हाथ दुखने लगे और हाथ की हस्त रेखाएं मिटने लगी। अब तो